बच्चों आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन में विशेषता यह है कि जो फ्रेज बनेंगे उसको मैं एक साथ बोलूँगा, बाकी को सिंपल एक 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 शब्द बोलूँगा, ये बात ध्यान रहे। यस स्टार्ट। जनता दल के वरिष्ठ नेता एवं उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के फैसले की आलोचना तो अवश्य की है, लेकिन सरकार के फैसले से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत के आधार पर आधार का भी सुझाव दिया है। पटनायक ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तथा संवाददाताओं से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट कर दिया है कि मंडल आयोग के मामले में राज्य सरकारें केंद्र का फैसला माने ही, यह जरूरी नहीं है और वे खुद तो उड़ीसा में इसे लागू नहीं करेंगे। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट में गिनाई गई जातियों के संबंध में भी अपने संदेह प्रकट किए हैं। पटनायक जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और वे कभी नहीं चाहेंगे कि केंद्र सरकार और दुविधा में फंसें, लेकिन यह उनका फर्ज है कि वे अपनी ही पार्टी की सरकार को गलत फैसला करने से रोके और यदि फैसला कर लिया गया है तो उसमें व्यवहारिक संशोधन के लिए सुझाव भी दें। पटनायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह कर्तव्य निभाया है। प्रधानमंत्री ने संसद में सरकारी फैसले पर बयान देकर बातचीत का रास्ता ही बंद कर दिया, क्योंकि वे 27.5% आरक्षण पर कोई समझौता करने को ही तैयार नहीं हैं। आरक्षण विरोधी आंदोलनकारी छात्रों के पास अभी न कोई संगठन है और न कोई नेतृत्व ही है। ऐसी स्थिति में बातचीत के सभी द्वार बंद से लगने लगे हैं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समर्थक दलों को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बड़ी असमंजस की स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण निर्णय से पहले उनसे सलाह मशविरा करना तक उन्होंने ठीक नहीं समझा। बीजू पटनायक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सरकार को अनावश्यक असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने की चेष्टा की है। अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पहले यदि सरकार ने पूरी आरक्षण नीति पर अन्य राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों से परामर्श किया होता तो आज उसे इस प्रश्न पर इतने व्यापक विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। पटनायक ने अपने पत्र में सुझाव दिया है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों को जो आरक्षण दिया हुआ है उस पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। सरकारी सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की सुविधाएं समझ में आ सकती हैं, लेकिन पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान रखने से अन्य जातियों में रोष फैलना स्वाभाविक है। एक और सुझाव पटनायक का यह है कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के जिन जिन परिवारों ने आरक्षण का एक बार लाभ उठा लिया है उन्हें भविष्य में उस लाभ से वंचित कर दिया जाए। पटनायक के ये सुझाव व्यावहारिक हैं और यदि इन पर अमल किया जाता है तो उन लोगों में कोई
आक्रोश पैदा नहीं होता, जो अब तक किन्हीं कारणों से इस लाभ से वंचित रहे हैं। जहाँ तक अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रश्न है, उसे भी व्यावहारिक दृष्टिकोण में सोचा जा सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियाँ सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में एक सा प्रावधान आरक्षण को कैसे किया जा सकता है? एक और महत्वपूर्ण मुद्दा पटनायक ने जातिवाद का उठाया है। अन्य पिछड़े वर्गों में अनेक जातियां हैं और यदि अनिश्चित काल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया तो आम लोगों में जातिगत आधार पर विचार करने की प्रवृत्ति बल पकड़ेगी और कभी भी सब लोगों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण पैदा ही नहीं हो सकेगा। यदि आरक्षण विरोधी आंदोलन को तथा वर्ग वैमनस्य को रोकना है तो इन व्यवहारिक सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। आरक्षण के समूचे प्रश्न पर विचार विमर्श के लिए राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों व छात्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा सकता है और यदि सरकार चाहे तो यह काम पटनायक के जिम्मे किया जा सकता है। सरकार ने अब यह स्पष्टीकरण दिया है कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए नहीं है। सरकार को मंडल आयोग की रिपोर्ट पर फैसला घोषित करते समय ही यह सब स्पष्टीकरण करने चाहिए थे। सरकार का जो भी रवैया घोषित करते समय ही यह सब स्पष्टीकरण करने चाहिए थे। सरकार का जो भी रवैया इस प्रश्न पर रहा है उससे यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि उसने पूर्वाग्रह के साथ फैसला किया है। इस फैसले के परिणामों का उसने कोई आकलन नहीं कराया। पटनायक ने छात्रों से भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस करने का आग्रह करके यह प्रयास किया है कि उन्हें बातचीत के लिए तैयार किया जाए, जिससे इस उलझनपूर्ण समस्या का कोई समाधान निकल सके। सरकार ने आंदोलन शुरू होने के बाद भी कभी छात्रों को विश्वास में लेने की चेष्टा नहीं की। कई ऐसे मसले हैं जिनके संबंध में आम छात्रों में भ्रांतियां हैं। यदि उन्हें मिटाने की चेष्टा सरकार ने की होती तो आंदोलन इतना उग्र रूप लेता ही नहीं।